दिल्ली व बाहर से सप्लाई होने वाली हेरोइन के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कस गया है। अभी तक 16 अफ्रीकन मूल के विदेशी नागरिकों को धरा जा चुका है। इनसे आरोपियों ने नशा खरीदा था। इसी क्रम में अब एसआईयू की एक टीम ने जम्मू के एक युवक को कुल्लू में हेरोइन लाने की कोशिश में 24 जनवरी को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि वह ये हेरोइन दिल्ली के नाइजीरियन से लाया है और उसे भी गिरफ्तार करके कुल्लू लाया गया है। कुल्लू पुलिस द्वारा जुलाई 2019 से अभी तक 22 विदेशी नागरिकों को ड्रग्स के अवैध व्यापार करने के जुर्म में धरा गया है। कुल्लू पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा जिले में हेरोइन चिट्टा की सप्लाई पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और जो भी चिट्टा या हेरोइन जो भी हमारे जिले में बाहर से दिल्ली से कहीं से भी आ रहा है उस पर सख्त निगरानी रखी गई है। इस कड़ी में हमारी एसआईयू की टीम ने एक युवक को जो कि जम्मू कश्मीर का है उसको गिरफ्तार किया। उसको भुंतर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसके पास से 12 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई है। जब इस युवक से जो कि आरोपी है इससे जब पूछताछ की गई तो उसने यह बतलाया कि वो यह हेरोइन या चिट्टा दिल्ली में एक नाइजीरियन से लेकर आया है। जब हमारी स्पेशल टीम उस नाइजीरियन को पकड़ने दिल्ली गई और उसको लेकर आया तो वो बंदा आप विश्वास नहीं मानेंगे उस बंदे ने पूरे भारत देश में हेरोइन के सप्लाई करने का एक बिजनेस खोल रखा है और वो इस हेरोइन के सप्लाई का बहुत ही बड़ा मुख्य सरगना है जिसको हम गिरफ्तार किया और उसको कुल्लू लेकर आए। जिस आरोपी के पास ना ही कोई वैलिड वीजा मिला और ना ही कोई पासपोर्ट जो कि एक गैर कानूनी अपराध है जिसके तहत फाउंडर्स एक्ट धारा 14 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये आरोपी भारत में हेरोइन सप्लाई करता रहा है और हिमाचल में 50 से ज्यादा लोगों को सप्लाई करता रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट।